हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी मैं हूँ रिद्धि सूरी और आज हमारे साथ हैं द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट टैलेंटेड अदिति राव हैदरी अभी हमने इन्हें हाल ही में ताज डिवाइडेड बाय ब्लड में देखा है और इन्होंने हम सबका दिल जीत लिया है तो अदिति कैसा है आपका एक्सपीरियंस थैंक यू मुझे मजा आया um, अलग सी कहानी बताई और आई आई थिंक लोगों को बहुत अच्छी लगी है बहुत uh, हिट हुआ है शो uh, और uh, जो मैंने सोचा उससे बहुत ज़्यादा बहुत यू so you know, uh, uh, मैं नहीं था क्योंकि इतनी अलग कहानी थी तो uh, लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे जी मुगल आजम मैंने सोचा मुझे तो मतलब लोग टमाटर फेंकेंगे मेरे ऊपर बट आई रियली फील इट्स मधुबाला जी इज ब्लेसिंग फ्रॉम समवेयर ऑन माई हेड दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड मी एंड ऑल्सो द फैक्ट द मटीरियल इज़ वेरी डिफरेंट थैंक यू थैंकफुली तो आपने पहले भी प्रियॉडिक ड्रामा किया पदमावत में हमने आपको देखा तो हैज़ इट हेल्प यू कि वहाँ से आपको जब आपने ये किया तो आपको ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई टू पुल ऑफ अनॉर्कली ऑनेस्टली हर रोल में एक फेयर होता है क्योंकि मटेरियल नया है hmm. टीम नई है uh, हर हर इंसान अलग होता है यू you नो know? hmm. तो आई एक्चुअली थॉट दैट मेहरू मेहरुनिसा एंड नारकलिया वेरी डिफरेंट बट आई हैव टू टेल यू दैट जो क्रिएटिव टीम थी जो यहाँ के नई हैं वर वेरी इंस्पायर्ड बाय संजय सर एंड हिज वर्क दे सीन पदमावत दे रियली लाइक मेहरूनिसा एंड दैट्स मैंने एक्चुअली पहले नहीं बोला था क्योंकि Uh, वो डेट्स की प्रॉब्लम हो रही थी और सब्जेक्ट भी थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों हम बना रहे हैं ये फिर जब क्रिएटिव टीम आई और मुझे पता चला कि इतनी अलग कहानी है आई रियलाइज की डेट ओल्ड मी सीन मेहरूनिसा एंड वी लव हर सो मच एंड यू नो वी इवन इफ यू से नो टू टूर वेटिंग ऑल्सो इतना अलग नज़रिया थोड़ा सा हिस्ट्री लेकिन बहुत सारी आ, नकाशी तो अच्छा था और इस सीरीज के साथ इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े हैं है, नसीरुद्दीन शाह धर्मेंदर तो आपको कहीं ऐसा लगा वो इंटमिडेटेड यू हैव टू वर्क विद बेटर हंड्रेड परसेंट एक तो एक्साइटमेंट भी होती है uh, जब पहले बताया गया कि नसीर साबर आई वॉज वेरी एक्साइटेड ही इज़ सो लेजेंड्री and I you know he will do it in a very different kind of way uh, but uh, set पे जाने से पहले <laughs> बहुत obviously nervous थी uh, और language को लेके भी कि मैं कुछ बोलूँगी उर्दू में और वो बोलेंगे क्या बोला <laughs> मुझे ऐसा नहीं चाहिए था uh, तो मैंने uh, डिक्शन पे काम किया लेकिन uh, मैंने उनके साथ काम किया uh, okay. डिक्शन पे और आई रियलाइज दैट उनका भी एक यू नो ही इज अ लेजेंड बट वो एक आर्टिस्ट हैं उनको भी मज़ा आता है यू you नो know, सेट पे सबके साथ काम करने में ही वॉन्ट्स ऑल अवाज टू नॉट बी अफ्रेड ऑफ हिम तो ही मेड इट वेरी इजी टू वर्क विद हिम एंड ही ऑल्सो चैलेंज अस इन मेनी वेज और वो एक बहुत पर्टर्नल फिगर थे हमारे सेट पे और हमें उन्होंने खाना भी बहुत खिलाया यू टू वट इंस्पायर स्टार कास्ट वहाँ का स्क्रिप्ट वेन यू रेड I think just the conviction of the creative team. Okay. <laughs> honestly. Uh, it was a con conviction of the creative team. They were so um, determined uh, to have me play an uh, And And uh, it was that. Uh, se I sat and listened to the script. Um, so I thought like it's it's such a you know, it's some kind of blessing to get to play a character like this. जो लोगों के जहन में एक बहुत आइकॉनिक कैरेक्टर है बट आई प्लेड हर जस्ट लाइक अ गर्ल इन लव एंड आई थिंक दैट वॉज वेरी थ्रिलिंग फॉर मी दैट आई न्यू दैट इट हैज दैट लार्जर देन लाइफ क्वालिटी बट शी इज जस्ट अ गर्ल इन लव सो इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स एट आई डोंट नो मैं जब भी कुछ भी चूज करती हूँ ना इफ माई हार्ट सेज डू इट आई जस्ट डू इट सो हम ये कह सकते हैं कि पिछला साल और अब तक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है क्योंकि आई एम डी बी में पॉपुलर सेलिब्रिटी रही हैं आप कांस डेब्यू किया आपने आपका ये ताज डिवाइडेड बाय ब्लड हैज़ बीन लव्ड द फैंस और अब आपका मोस्ट सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर के साथ हीरा मंडी आ रही है तो कैसी फीलिंग है ये इट फील्स अमेजिंग मैं एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम मैं सोच रही थी कि वो जो टू थाउजेंड सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन का पीरियड था मैंने तमिल तेलुगू मलयालम में मैं बहुत काम कर रही थी और मैं बहुत इनक्रेडिबल डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही थी और फिर लॉकडाउन हुआ एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड लाइक यू नो आई वाज रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ एंड आई वाज फाइनली डूइंग द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू एंड अभी नाउ देट यूर टेलिंग मी आई यू नो एक जब आपको टाइम मिलता है तो टू थिंक अबाउट इट दैट्स वेन यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट बट When you're working, you're just working and you're um, especially when you're working with people who really challenge you, to up, you're trying to live up to the challenges that they're throwing. You know, hmm. they throw you challenge and you have to, you know, it's like, yes, I'm gonna I'm gonna do it, and I'm I'm gonna live up to your challenge, and I want to see you smile. And with all the directors I've worked, or even the can, ex can experience, it's been like that, you know. To um uh, kam Pyar se but

as a person also and as a director also he's really really incredible i love Sanjay sir okay so abhi india has created history in oscars Only the oscars Yes. yeah, rrr and the elephant yes so what, what, what do you want what do you want to say what it's that? amazing i mean um uh, uh, garu is somebody who has done incredible work over the years in all languages you know, and um, Rajmouli sir is, of course, an epic director, and his vision is just so larger than life. And the team has the kind of work that they have put in, you know, to make the film and then post that to create this moment of pride for India. Uh, they've really worked very, very, very hard. It's not easy to, you know, to get in there and have the con conviction and take it through till. this result it's amazing you have to have nerves of steel and real conviction and i'm just so like it's so it's so beautiful to see that from such senior people you know but it's so amazing that they were all there you know representing our country and you know making indian cinema proud that's so cool so, as we came, we started a debate to jaise hi rrr jeeta हाल ही में एक डिबेट शुरू हुई कि उसको साउथ इंडियन फिल्म मानेंगे कि इंडियन फिल्म मानेंगे तो आपका इस पे क्या टेक है मेरे मेरे जहन में ये सब नहीं है मैं uh, मैं कहूँगी uh, राजमौली सर की फिल्म है uh, किरवानी गारू का म्यूज़िक है uh, मैं ये नहीं कहूँगी कि कौन से लैंग्वेज में बनी आई नो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट आई एम फ्रॉम देयर सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द लैंग्वेज एंड वेर आई एम फ्रॉम बट आई बिलीव दैट वे द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड दैट वी शुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड पहले ऐसे होता था साउथ फिल्म ये uh, मतलब रीजनल फिल्म yeah. ऐसे हम क्यों सोचते हैं इट्स अ फिल्म एंड फिल्म फिल्म आर स्टोरीज एंड स्टोरीज आर अबाउट फीलिंग्स फीलिंग्स की लैंग्वेज नहीं होती और uh, हमारी कंट्री में कितना ग्रेट टैलेंट है कितने ग्रेट डायरेक्टर्स हैं कितने ग्रेट स्टोरी टेलर्स हैं कितने ग्रेट टेक्नीशियंस हैं वी आर वन बिग इंडस्ट्री एंड वी आर सो लकी टू बी दैट वी शुड इट

आ इंटरेस्टेड इन आ वर्क ऑन कैमरा कुछ लोग होते हैं जो ये बातें करते हैं बट आई आई थिंक दैट पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन वट एवर दे आर इंटरेस्टेड इन माई इंटरेस्ट एट दिस पॉइंट इज टू वर्क हार्ड एंड यू नो क्रिएट वर्क दैट विल बी टाइमलेस क्योंकि हमारा सिनेमा टाइमलेस होता है एंड आई नो दैट पीपलो आई ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सींगस लाइक दैट तो मैं बाकी सब की बात नहीं करती और काम की बात करती हूँ बिकॉज दैट्स हाउ पीपल सी अस एंड लव अस टू कंक्लूड आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके प्यार की वजह से हम यहाँ हैं और आपके प्यार की वजह से हमें इंक्रेजमेंट uh, मिलती है टू वर्क हार्डर एंड टू डू बेटर फॉर यू सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड आई से दिस टू ऑल द पीपल अक्रॉस इंडिया हु लव मी एंड आर लॉयल टू मी एंड स्टैंड बाय मी and uh, give me their blessings and love every day thank you thank you. i love you all